तो भाई ये अपना क्रेडिट कार्ड पूरा हो चुका है कंप्लीट। हे गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो गाइस ये जो हमारा जो व्लॉग होने वाला है वो NS200 क्रैश गार्ड के ऊपर होने वाला है। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और व्लॉग को स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ क्रैश गार्ड क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। क्रैश गार्ड जो होता है वो अपना स्पेशली हमारे स्टंट के लिए होता है। अगर हम स्टंट करते हैं तो हमें क्रैश गार्ड 110% लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टंट करेंगे, व्हीली सीखेंगे, प्रैक्टिस कोई से भी स्टंट की प्रैक्टिस करेंगे, तो 1 से 1000% हमारी बाइक गिरनी है। वो लेफ्ट साइड गिरे या राइट साइड गिरे, बाइक ज़रूर गिरती है। तो उससे क्या होता है, एक तो बॉडी पे स्क्रैच नहीं आते, और सेकंड चीज़ क्या है कि चैम्बर वगैरह नहीं फटते, क्योंकि चैम्बर फट जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, महंगे चैम्बर होते हैं, इसलिए क्रैश गार्ड लगाए जाते हैं। यूट्यूब पे भी सर्च मारा मतलब क्रैश गार्ड बनाने के लिए, मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे कोई मतलब वीडियो अच्छी लगी नहीं, क्योंकि इन्होंने डिटेल में नहीं समझाया इसको बिल्कुल। एंड मतलब सिंपली मतलब नए क्रैश गार्ड लाए और ऐसे ही दिखा दिए, फिटिंग दिखा दी बस नॉर्मली, कहाँ फिट होना, कैसा बोल्ट कहाँ पे लगाना, कौन सा लगाना कहाँ पे, कुछ नहीं बताया उन्होंने, कुछ नहीं दिखाया। तो मैंने पूरा व्लॉग बनाया, इसमें थोड़ा क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही है उसके लिए सॉरी, बट आगे से नेक्स्ट टाइम जो व्लॉग होगा वो अच्छे क्लियरिटी वाला होगा, इसलिए व्लॉग को स्किप मत करना पूरा। मुझे आपको दिखाना था मतलब कितना लंबा पाइप लेना है कितना नहीं, यार वो सॉरी मैं दिखा नहीं पाया, मेरे याद नहीं रहा। मैंने एक्चुअली लास्ट में व्लॉग बनाया है, जब कंप्लीट हो गया सारा तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर वाला जो पाइप होगा आपका वो 7 इंच लंबा होगा, और जो नीचे वाला पाइप होगा वो आपका होगा 5 इंच लंबा। जैसे कि आप सब कंफ्यूज रहते हैं बहुत ही ज़्यादा कि मतलब क्रैश गार्ड कहाँ पे फिटिंग करें, कहाँ पे बोल्ट लें, कैसे लें। ये जो मेन बोल्ट होता है फाउंडेशन होता है इसका, ये 12 नंबर का बोल्ट होता है, और एक दूसरा मेन बोल्ट होता है ये वाला, ये होता है 10 नंबर का। और इसको जो मतलब ये जो इंजन देख रहे हो आप, इंजन ये इंजन का फाउंडेशन है, ये पूरा इस पर डिपेंड रहता है क्रैश गार्ड का। तो क्रैश गार्ड के लिए आपको सबसे पहले तो एक पाइप यहाँ लेना होगा 10 नंबर की, इसमें वाशर वेल्डिंग करनी होगी और ये पाइप इसके अंदर आ जाएगा, और फिर एक 12 नंबर की वाशर वेल्डिंग करनी होगी, फिर वो 12 नंबर का वोल्ट इसमें आ जाएगा। और आपको फिर दो ये पाइप ये आपको लेना पड़ेगा 6 इंच लंबा, और ये 7 इंच लंबा ले लो आप, और ये ले लो आप 6 इंच लंबा, और फिर आपको दो पाइप यहाँ से सीधे ले जाने हैं इस वाले बोल्ट में। इस वाले बोल्ट में ले जाने के बाद आपको चीज़ और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी, मतलब ये मैंने पेट्रोल की बोतल क्यों लगा रखी, मतलब इधर साइड में यहाँ पे लगी रहती है, अभी इसका जो फ्रेम है वो पेंट होने के लिए जा रखा, ये इसलिए होती है बोतल। ये जो कार्बेटर वाली बाइक होती है ना, ये कार्बेटर वाली बाइक से जब हम विली करते हैं तो विली करते समय पेट्रोल ओवर फ्लो करती है, ओवर फ्लो होने का रीज़न ये होता है क्योंकि ये कार्बेटर वाली बाइक है, तो इसमें सारा बोतल में पेट्रोल आ जाता है, तो पेट्रोल जो है वेस्ट नहीं होता हमारा। और सेकेंड चीज़ जो बिना कार्बेटर की बाइक होती है इंजेक्टर वाली में बिल्कुल भी पेट्रोल ओवर फ्लो नहीं होता, तो ये पेट्रोल की बोतल मैंने इसलिए लगा रखी है। और बाकी मैं आपको बिल्कुल पूरी प्रॉपर फिटिंग करके बताता हूँ और अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। और जैसे ही गाइस आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इतना लंबा पाइप है कि हम बोल्ट कैसे लगाएं, ये आप देखो बोल्ट का तरीका, ये हमने पाइप जो है हमारा ये आर पार है बिल्कुल, टाइम इसके अंदर चलेगी आराम से, बहुत प्यार से बोल्ट टाइट होगा और बहुत मजबूती रहेगी। और जैसे कि ये दूसरा 10 नंबर का बोल्ट, ये देखो ये पाइप के अंदर को जाएगा और बिल्कुल बहुत प्यार से फिट होगा सामने, शायद क्लियरिटी इतनी नहीं आ पा रही क्योंकि सामने यार धूप आ रही है। हाँ ये एलकी का बोल्ट है, ये एलकी का यहाँ पे टाइट हो जाएगा, आपका क्रैश गार्ड रेडी। आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम बजट में आप क्रैश गार्ड रेडी कराएं। और अभी हमने इसके प्लास्टिक के गुल्ले भी बना रखे हैं यहाँ पे लगाने के लिए, वो यहाँ पे प्लास्टिक के गुल्ले लग जाएंगे, अच्छे लगेंगे। करना तो मैं और कुछ चाह रहा था पर मैंने सिंपल में ही बहुत मतलब प्यारा अच्छा रिस्पॉन्स देख लिया मैंने, क्यों ज़्यादा यार टाइम वेस्ट करें, क्योंकि टाइम नहीं होता यार अपने पास, थोड़ा कम टाइम होता है बहुत बताए हो। ये देखो बनाओ भट्टे हमारे हमारे बड़े भाई सीनियर, ये 12 नंबर उठाएगा तो मैं बनाओ हैं बनाए भाई, बने बनाए नहीं है, रेडीमेड नहीं है तो बनाए। तो भाई हमारे मार्केट के एक भाई पूछ रहे हैं कि आप बनाए हैं या रेडीमेड, ये हम नहीं बनाए, मैंने भी यकीन नहीं हो रहा। तो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये भी फाउंडेशन वाला है सेम, मतलब टू कॉपी है, पल्ली तरफ का है जैसे दूसरी साइड का, ऐसी इधर साइड का, बट इसमें क्या है हमने एक चीज़ अलग से लगा रखी है, इसमें यहाँ पे नट होता है, हमने नट की जगह ये वाला नट लगा रखा है एडजस्ट करने वाला लंबा वाला, और हमने इसमें क्या करा है बीच में ही 10 नंबर की छूटी काट दी, यानी कि यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लग जाएगा, यहाँ पे 12 का,
इस जगह 12 का लग जाएगा और इस जगह भी 12 का लग जाएगा। तो ये अपना क्रेज गार्ड हो जाएगा बिल्कुल एकदम रेडी और प्रॉपर मजबूती, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसे ही बिल्कुल एकदम टूट जाए टूट। तो भाई ये अपना क्रेज गार्ड पूरा हो चुका है कम्प्लीट, देख सकते हो आप। ये देखो ये मैंने प्लास्टिक के गुल्ले लगाए इसमें अपनी दुकान से ही बनाकर, और नीचे वाला आप देख रहे होंगे वो कहाँ पे पैच लग रहा और ये रहा। और व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।